एवरीवन, वेलकम टू आईडियलएस एकेडमी। हमारे लेक्चर का टॉपिक है नॉन कार्बोनेटेड बीवरेजेस। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर लेक्चर। नॉन कार्बोनेटेड बीवरेजेस इंट्रोडक्शन। Non-carbonated beverages represent an important segment of the market for soft drink. Soft drink का एक important segment होते हैं non-carbonated beverages. But they present some special technological issue for product developer and manufacturer alike. ये कुछ technological issues create करते हैं, that is non-carbonated beverages. और किसके लिए? ये डेवलपर और जो मैन्युफैक्चरर होते हैं इनके लिए ये टेक्निकल इश्यूज क्रिएट होते हैं। द प्रिंसिपल ग्रुप्स ऑफ नॉन कार्बोनेटेड बीवरेजेस आर फॉलोज। नॉन कार्बोनेटेड जो बीवरेजेस होते हैं इनके ग्रुप्स बनाए गए हैं, उनमें है डाइल्यूटेबल ड्रिंक्स, रेडी टू ड्रिंक प्री पैकेज्ड बीवरेज, फ्रूट जूसेस एंड नेक्टर्स। ये तीन मेजर टाइप हैं जो कि आते हैं नॉन कार्बोनेटेड बीवरेजेस में। सॉफ्ट ड्रिंक्स आर लो पीएच बीवरेजेस। सॉफ्ट ड्रिंक्स का पीएच लो होता है, दैट आर बेस्ड मोस्टली अराउंड फूड डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स। और ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं ये फूड डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स से ही मोस्टली बनी हुई होती हैं और इनकॉर्पोरेट फ्रूट फ्लेवर। अब या तो यह फ्रूट से ही बनी है या फिर इनमें फ्रूट्स के फ्लेवर को ऐड कर दिया गया है। दे आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हाइड्रेशन। ये एक हाइड्रेशन का भी बहुत अच्छा सोर्स है, वाटर लेवल को मेंटेन करने में भी हेल्प करती हैं। बट आर यूजली सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लीजेंट टेस्ट एंड कन्वीनियंस ऑफ यूज। लेकिन अगर इनके सेलेक्शन की बात करें तो इनको इनके प्लीजेंट टेस्ट और इनके कन्वीनियंस ऑफ यूज के बेस पे सेलेक्ट किया जाता है। द पार्टिकुलर इशू दैट मस्ट बी एड्रेस्ड व्हेन नॉन कार्बोनेटेड बीवरेजेस आर टू बी प्रोड्यूस्ड रिलेट मेनली टू द प्रिवेंशन ऑफ माइक्रोबियल स्पॉयलेज। जो मेन इशू होता है जिसको कि नॉन कार्बोनेटेड बीवरेजेस के केस में सबसे पहले इसको एड्रेस किया जाना चाहिए, वो होता है प्रिवेंशन ऑफ माइक्रोबियल स्पॉयलेज। किसी भी प्रोडक्ट को माइक्रोब्स के द्वारा होने वाले स्पॉयलेज या फिर डिटेरियोरेशन से बचाना। द डिटेरियोरेशन ऑफ द प्रोडक्ट टेस्ट एंड अपीयरेंस एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड द इन्हेंसमेंट ऑफ फ्लेवर। इसके साथ ही कुछ और चीज़ों का ध्यान में रखना होता है, जैसे कि प्रोडक्ट के टेस्ट का डिटेरियोरेशन ना हो, अपीयरेंस उसका चेंज ना हो, ये अपीयरेंस ऑक्सीडेशन की वजह से भी चेंज हो सकता है, और साथ ही फ्लेवर का जो इन्हेंसमेंट है, इन कुछ चीज़ों को बहुत ध्यान में रख के ही प्रोडक्शन के वर्क्स को किया जाता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे डाइल्यूटेबल बीवरेजेस। ओवरव्यू। डाइल्यूटेबल बीवरेजेस हैव बीन वाइडली यूज्ड फॉर मेनी इयर्स एज अ लो कॉस्ट कन्वीनियंट मीन ऑफ प्रोड्यूसिंग सॉफ्ट ड्रिंक ऑन द कंज्यूमर्स ओन प्रीमाइसेस। ये जो डाइल्यूटेबल बीवरेजेस होते हैं इनको बहुत बहुत लंबे वक्त से और बहुत ब्रॉड स्केल पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये लो कॉस्ट के होते हैं और सॉफ्ट ड्रिंक्स के प्रोडक्शन के लिए भी ये कन्वीनियंट मीन होते हैं। डाइल्यूटेबल प्रोडक्ट्स ऑन द अदर हैंड ऑफर द कंज्यूमर अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस। जो डाइल्यूटेबल प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं इनके, इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू यूज़ डिफरिंग सिरप। इसमें एबिलिटी होती है डिफरिंग सिरप का यूज़, वाटर रेशियो एंड द एबिलिटी टू प्रोड्यूस वेरिएबल वॉल्यूम्स ऑफ इंड प्रोडक्ट।
एंड प्रोडक्ट को बहुत सारे वॉल्यूम्स में भी ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। साथ ही वाटर का रेशियो भी इन डाइल्यूटेबल प्रोडक्ट्स में मैटर करता है। इसके साथ ही द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग डिफरेंट डाइल्यूटेंट्स सच एज वाटर, एल्कोहलिक ड्रिंक्स और मिल्क। अब आता है नोमेनक्लेचर। डाइल्यूटेबल प्रोडक्ट्स वर गिवन द पर्टिकुलर प्रोडक्ट डेजिग्नेशन यूज्ड अबव। जो डाइल्यूटेबल प्रोडक्ट होते हैं उनको पर्टिकुलर प्रोडक्ट डेजिग्नेशन दिया जाता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा है, टू इंश्योर कंसिस्टेंसी बिटवीन मैन्युफैक्चरर। द यूनाइटेड किंगडम इंट्रोड्यूस्ड लेजिस्लेशन इन 1964 विच डिफाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम स्पेसिफिक कंपोजिशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर दीज प्रोडक्ट्स। कंसिस्टेंसी के इंश्योर करने के लिए यूनाइटेड किंगडम में एक लेजिस्लेशन आया, जिसका मतलब ही था कि जो भी प्रोडक्ट है उसकी स्पेसिफिक कंपोजिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, किन किन चीज़ों को उसमें ऐड किया जाना ज़रूरी है, प्रोडक्ट का कंपोजिशन क्या होना चाहिए, और उसी लेजिस्लेशन के बेस पे इन चीज़ों को आगे प्रोसीड किया गया। अब आते हैं इंग्रेडिएंट्स पे। प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट्स ऑफ डाइल्यूटेबल सॉफ्ट ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स में दैट इज डाइल्यूटेबल सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो इंग्रेडिएंट्स प्रिंसिपली प्रेजेंट होते हैं मेजर तरीके से, वो यहाँ पे हैं। सबसे पहले हम न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स देखेंगे। न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स में वो चीज़ें आती हैं जिनसे कि न्यूट्रिशन मिलता है, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। उनमें सबसे पहला है फ्रूट कंपोनेंट्स। फ्रूट्स तो ऑब्वियसली न्यूट्रिशन ही प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं फ्रूट्स में। इसके अलावा आता है कार्बोहाइड्रेट सिरप। कार्बोहाइड्रेट सिरप्स भी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाती हैं कहीं ना कहीं। इसके अलावा एसिडुलेंट्स होते हैं। एसिडुलेंट्स क्या हैं, इनको हम बहुत ही डिटेल में पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आप लोग वो वीडियोस पुराने लेक्चर्स भी देखिए तो चीज़ों को आप कनेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ अदर न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे कि विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, एसिडिटी रेगुलेटर्स हैं, ये सारी चीज़ें भी न्यूट्रिशनल इन्ग्रीडियंट्स होती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें नॉन न्यूट्रिशनल इन्ग्रीडियंट्स की, तो इसमें आते हैं प्रिजर्वेटिव्स। अब प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, ये प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए होते हैं, ना कि किसी भी प्रोडक्ट का न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए। न्यूट्रिशन बढ़ाने में कोई रोल नहीं होता है, जबकि प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ को वो बहुत समय लंबे समय तक उसको सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है कलर्स। कलर्स उनकी क्वालिटी, उनकी जो एक अपीयरेंस होती है उसको इन्हेंस कर देते हैं, लेकिन ये कोई न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है इमल्सीफायर्स एंड स्टेबलाइजर्स। ये भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करती हैं, ये इमल्सीफाई करने में और प्रोडक्ट को स्टेबलाइज करने में मदद करती हैं। नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स भी नॉन न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इसके अलावा इंटेंस स्वीटनर्स भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं बढ़ाते। इसके बाद आता है फ्लेवरिंग्स। जो भी कोई फ्लेवर ऐड किया जाता है तो वो एक पर्टिकुलर टेस्ट, एक फ्लेवर तो बना देता है, लेकिन वो न्यूट्रिशन को इन्हेंस नहीं करता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ क्लाउडिंग एजेंट। क्लाउडिंग एजेंट्स आर अगेन नॉन न्यूट्रिशनल इन्ग्रीडियंट्स दैट आर प्रेजेंट इन डाइल्यूटेबल सॉफ्ट ड्रिंक्स। अब आते हैं हम लोग फ्रूट कंपोनेंट्स पे। फ्रूट की अगर बात करें, किसी भी अगर ड्रिंक में फ्रूट कंपोनेंट प्रेजेंट है तो ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा फ्रूट ही उसमें प्रेजेंट है। फ्रूट का पार्ट या फ्रूट का जूस या कोई उसका कोई पर्टिकुलर पार्ट, तो उसको हम बोलते हैं फ्रूट कंपोनेंट्स। फ्रूट जूसेस एंड कम्युनिकेट्स एंड कम्युनिट्स दैट आर एडेड टू डाइल्यूटेबल्स एंड अदर नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स
may be either freshly pressed or in the form of a concentrated juice. जो फ्रूट जूसेस ऐड किए जाते हैं डाइल्यूटेबल्स में या फिर जो नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में ऐड किए जाते हैं, ये या तो फ्रेश हो सकते हैं या फिर ये कंसनट्रेटेड जूस के फॉर्म में हो सकते हैं. द कंसनट्रेशन ऑफ मोस्ट फ्रेश जूस इज कन्वीनियंटली मेजर्ड इन डिग्रीज ब्रिक्स में इसको मेजर किया जाता है जो फ्रूट जूस का कंसनट्रेशन है. एंड ऑल्दो द स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशंस ऑफ दिस मेजर्स रिफर टू प्योर सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर. अगर इंटरप्रिटेशन की बात करें तो ये मेज़र ऐसे होते हैं कि जैसे जब वाटर का सॉल्यूशन है तो वाटर के सॉल्यूशन में जब सुक्रोज प्रेजेंट होता है तो कुछ इसी तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन इस मेज़र का किया जाता है. मोस्ट कंट्रीज therefore adopt a standard bricks for juices. जो ज़्यादातर countries होती हैं standard bricks को adopt करके रखती हैं in order to facilitate the production of a comparable product when juices are reconstituted. जब juice का reconstitute करता किया जाता है तो एक comparable product के formation के लिए standard brick का होना ज़रूरी होता है. In most European countries, this standard is 11.2 degree bricks for orange juice. European countries की बात हो रही है, oranges के लिए ये bricks standard 11.2 degree है. And a similar approach will be adopted when calculating the amount of concentrated juice required to deliver say 25% juice in a dilutable drink. सेम इसी तरीके की अप्रोच को अडॉप्ट किया जाएगा जबकि हम कंसनट्रेटेड जूस जो कि 25% तक की डिलीवरी के लिए डाइल्यूटेबल ड्रिंक में ज़रूरी है उसकी अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए. नेक्स्ट आता है कॉमिन्यूट्स. द प्रोसेस ऑफ कॉमिन्यूट्स रिफर्स ओनली टू सिट्रस प्रोडक्ट. ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ सिट्रस प्रोडक्ट्स के लिए अप्लाई होती है. वेयर द ऑयल्स दैट रिजाइड इन द फ्लेविडो होता है कलर्ड पील, हैव इंटेंस फ्लेवर कैरेक्टरिस्टिक्स. जो ऑयल होता है फ्लेविडो में वो एक इंटेंस फ्लेवर कैरेक्टरिस्टिक रखता है. एट इट्स सिंपलेस्ट comminution involves taking a complete orange and making a pulp from it. Comminutes की अगर हम बात करें तो आपने अगर complete orange लिया है और फिर आपने इसका pulp बना दिया. अब इसी को ये हम एक example ले रहे हैं कि हम comminution किसको बोल सकते हैं. तो कुछ इसी तरीके से होता है, सारे citrus fruits में ही किया जाता है. और एग्जांपल यहाँ पे लिया गया कि जैसे आपने पूरा ऑरेंज लिया और उसका पल्प बना दिया तो यही हो जाएगा कॉमिन्यूट्स. अब ये जो पल्प बना है, दिस पल्प विल हैव अ मच मोर इंटेंस फ्लेवर. इस पल्प में बहुत इंटेंस फ्लेवर होगा देन जूस अलोन. जो जूस होता है सिंपल जूस तो उसमें फ्लेवर ये बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं होता है, लेकिन अगर पल्प है तो पल्प में इसका बहुत इंटेंस फ्लेवर देखा जाता है. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मच पील एंड एल्बिडो. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो जूस होता है जूस के केस में पील बहुत कम देखा जाता है, जबकि जो पल्प होता है पल्प के केस में पील और एल्बिडो होता है पित, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए एक बहुत इंटेंस फ्लेवर आता है. एंड इट वुड बी अनएक्सेप्टेबल इन टेस्ट टू मोस्ट कंज्यूमर्स. और ये ऐसा होता है कि बहुत सारे कंज्यूमर्स इसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, बहुत सारे कंज्यूमर्स के लिए ये अनएक्सेप्टेबल होता है.
In the manufacturing process for comminuts, components of the citrus fruit are separated into the principal product. जो citrus fruit होते हैं इनको कुछ product में separate किया जाता है, जैसे कि citrus oil, juice and residual peel and pith. ये इतने सारे components होते हैं, principal product होते हैं. अब इन्हीं में से कुछ जूस बना देते हैं और कुछ पल्प बना देते हैं. जैसे कि पल्प में अभी हमने देखा कि पील और पिथ का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए उसका इंटेंस फ्लेवर होता है. अब आते हैं कुछ अदर फ्रूट कंपोनेंट्स पे. अदर फ्रूट कंपोनेंट्स दैट मे बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नॉन कार्बोनेटेड बीवरेजेस पर्टिकुलरली डाइल्यूटेबल्स include pectins and aroma substance obtained during the concentration of the fruit juice. कुछ other fruit components जो होते हैं जो कि non-carbonated beverages की manufacturing में use किए जाते हैं, उनमें pectins आते हैं, aroma substances आते हैं जो कि किसी भी fruit juice की concentration की process के दौरान मिलते हैं. These components do not normally count towards the fruit content of the product. ये जो components होते हैं ये fruit content की तरफ में count नहीं होते हैं, and they are usually classified as types of permitted additives. अब इनको directly fruit content नहीं बोला जाता है, इसीलिए इनको permitted additives बोला जाता है. Permitted additives का मतलब ऐसी चीज़ें जो कि permission से addition किया जाता है उनका. परमिशन दैट इज़ प्रॉपर लेजिस्लेशन होता है और देखा जाता है कि वो चीज़ कोई ऐसी तो नहीं है जो कि कोई हजार्डस चीज़ हो. अगर वो चीज़ सुरक्षित होती है तो उसको ऐड करने के लिए परमिशन मिल जाता है. यहाँ पे प्रोसेस दी गई है, पहले होल फ्रूट लिया जाता है, वॉशिंग होती है, सॉर्ट किया जाता है, इसके बाद में प्रेसिंग होती है. अब प्रेसिंग के बाद में या तो ऑयल बनेगा या फिर फ्लेविडो बनेगा. अब इधर तो ये चीज़ें बन गई, नेक्स्ट आता है इसके प्रेस करने के बाद में जूस भी बनेगा. तो डायरेक्ट अगर जूस की बात करें तो जूस को पहले कंसंट्रेट करना पड़ेगा. जब जूस कंसंट्रेट हो जाएगा तब इसका रिकॉम्बिनेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन के बाद में मिलिंग होगी, होमोजेनाइजेशन किया जाएगा. होमोजेनाइजेशन का मतलब होता है कि छोटे छोटे पार्ट में सबको यूनिफॉर्म कर देना, छोटे छोटे से पार्ट बना के. नेक्स्ट इसका पाश्चराइजेशन किया जाएगा और पैक कर दिया जाएगा. तो ये तो चीज़ रही कि अगर प्रेसिंग के बाद में जूस मिलता है, अगर प्रेसिंग के बाद में ऑयल मिल रहा है तो आपको इसको कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली रिकॉम्बिनेशन करते हैं. रिकॉम्बिनेशन के बाद में मिलिंग होगी और इसको पाश्चराइज करके पैक कर लिया जाएगा. सेम यही केस अप्लाई होता है फ्लेविडो या फिर एल्बिडो के साथ में. इसका भी कंसंट्रेशन ना करके इसका डायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन किया जाता है. रिकॉम्बिनेशन के बाद में मिलिंग होती है और फिर अगेन इसको पाश्चराइज करके पैक कर दिया जाता है. तो ये तो कुछ प्रोसेस है नॉन कार्बोनेटेड बीवरेजेस की फॉर्मेशन की. अब नेक्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स स्टिल फीचर्स and important components of many non-carbonated beverages. नाम तो इनका non-carbonated beverages है और ये ऐसे product होते हैं जिनमें कि carbohydrate एक important component होता है. And they are particularly important in the manufacture of dilutable drinks. अब ये जो carbohydrate होते हैं ये एक important part होते हैं dilutable drinks के formation का. कार्बोहाइड्रेट कई टाइप्स में प्रेजेंट हो सकते हैं. आइदर सुक्रोज हो सकता है, सुक्रोज प्रेफर्ड कार्बोहाइड्रेट होता है. प्रेफर्ड मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में इसका यूज़ किया जाता है. सो सुक्रोज द प्रेफर्ड कार्बोहाइड्रेट फॉर मोस्ट मैन्युफैक्चरर्स इज स्टिल सुक्रोज. ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर सुक्रोज को प्रेफर करते हैं. Although its 2004 price within Europe is so artificially high that other alternatives are often sought and are increasingly used.
इसका प्राइस 2004 में इतना ज़्यादा देखा गया, इतना हाई था कि इसकी जगह पे अदर अल्टरनेटिव्स का यूज़ किया जाने लगा। बहुत अच्छे से इसको नहीं लोग यूज़ कर पा रहे थे क्योंकि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा था। तो अब सुक्रोज के अल्टरनेटिव्स ढूंढे गए और फिर उनका यूज़ किया जाने लगा। नेक्स्ट आता है इनवर्ट शुगर। इनवर्ट शुगर समटाइम्स रिफर टू एज पार्शियली इन्वर्टेड रिफाइनर सिरप। इसको पार्शियली इन्वर्टेड रिफाइनर सिरप भी बोला जाता है। इज प्रोड्यूस्ड बाई एसिड और एंजाइमिक हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड सुक्रोज। अब ये जो इन्वर्ट शुगर है ये सुक्रोज से ही बन रही है, ये सुक्रोज की एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस के द्वारा बन रही है। सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करवाया जाता है जिससे कि ये ब्रेक हो जाती है फ्रक्टोज और डेक्सट्रोज में। डेक्सट्रोज ग्लूकोज होता है और फ्रक्टोज ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाती है और ये हाइड्रोलिसिस के द्वारा ही बनती है। इसी को इनवर्ट शुगर बोला जाता है। बिकॉज ऑफ द डिवेलपमेंट ऑफ फ्रक्टोज कंटेनिंग ग्लूकोज सिरप इनवर्ट शुगर्स आर लिटिल यूज्ड नाउ। ये जो इन्वर्ट शुगर्स होती हैं इनमें ये देखा गया है कि इनमें फ्रक्टोज कंटेनिंग ग्लूकोज सिरप्स प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से जो इन्वर्ट शुगर्स हैं इनका यूज़ बहुत कम हो गया है और इन्वर्ट शुगर्स का यूज़ बहुत कम किया जाता है। नेक्स्ट आता है ग्लूकोज सिरप। ये सारे हम कार्बोहाइड्रेट्स के ही टाइप पढ़ रहे हैं। सो ग्लूकोज सिरप्स आर अ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियल सिरप मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम स्टार्च। ग्लूकोज सिरप ये इंडस्ट्रियल सिरप होती हैं जो कि स्टार्च की मैन्युफैक्चरिंग से ही बनती हैं। यूजली कॉर्न स्टार्च, जो कॉर्न होता है, जो मेज होता है, जिसको कि मक्का बोलते हैं, कुछ इस तरीके का होता है, आप सभी ने ज़रूर खाया होगा, उससे बनता है, उसी को ग्लूकोज सिरप बोला जाता है। The starch may be hydrolyzed by either acid or enzymic hydrolysis. अगर एंजाइम की स्टार्च की बात करें तो इसकी हाइड्रोलिसिस के लिए या तो फिर एसिड का यूज़ होता है या फिर एंजाइम की मदद से इसको हाइड्रोलाइज करा जा सकता है, और मोर यूजली अ कॉम्बिनेशन ऑफ दी टू, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज़ किया जा सकता है। एसिड और एंजाइम को एक साथ में यूज़ करके भी स्टार्च को हाइड्रोलाइज कराया जा सकता है। नेक्स्ट है मॉडिफाइड ग्लूकोज सिरप। एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिव कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज फॉर बीवरेजेस एंड अदर फूड यूजेस हैव बीन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रक्टोज कंटेनिंग ग्लूकोज सिरप। जब अल्टरनेटिव की बात आती है, कार्बोहाइड्रेट्स का अल्टरनेटिव क्या यूज़ किया जाए, तो बहुत सी चीज़ें बनी, डेवलपमेंट होता गया और उसी क्रम में फ्रक्टोज कंटेनिंग ग्लूकोज सिरप का प्रोडक्शन हुआ। वन सच प्रोडक्ट इज नोन एज हाई फ्रक्टोज ग्लूकोज सिरप। एक ऐसा ही प्रोडक्ट है जिसको कि हाई फ्रक्टोज ग्लूकोज सिरप भी बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं फ्रक्टोज सिरप। इन एडिशन टू द ग्लूकोज और फ्रक्टोज सिरप मेंशन्ड अबव, जो अभी हमने पढ़ी हैं, ये जो सिरप्स पढ़ी हैं, अ फ्रक्टोज सिरप हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड यूजिंग इन्यूलिन एज अ सोर्स। देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये आती है, बाकी सब तो चलो नॉर्मल थी। जो फ्रक्टोज सिरप है ये इन्यूलिन से मिलके बनी हुई होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप लोग। इन्यूलिन इज द फ्रक्टोज एनालॉग ऑफ स्टार्च, ये स्टार्च का ही एक एनालॉग है। एंड द चिचरी रूट इज द स्टैंडर्ड सोर्स फॉर कमर्शियल हाइड्रोलिसिस। अगर इसकी हाइड्रोलिसिस की बात करें तो चिचरी रूट्स को यूज कर सकते हैं। फ्रक्टोज सिरप्स आर यूजली टू एक्सपेंसिव फॉर रूटीन यूज इन बिवरेज प्रोडक्शन। अगर बिवरेज प्रोडक्शन में बात करें तो फ्रक्टोज सिरप्स बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, रूटीन यूज़ इनका बहुत आसान नहीं होती है।
but they have been employed where a particular claim is to be made for fructose. इनको तब employ किया जाता है जब fructose के लिए एक particular claim दे दिया जाए. So thank you very much everyone for watching this session. अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. एक बात और आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि गाइज अगर कोई भी आपको डाउट होता है, कोई भी दिक्कत आती है, आप बिल्कुल फ्रीली कमेंट करिए. कमेंट करके अपने डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं, एकदम फ्रीली कमेंट कर सकते हैं आप. तो अपने डाउट्स को ज़रूर क्लियर करिए, कोई भी डाउट मत रखिए. हर टाइम अवेलेबल हैं, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा. फॉलो करिए ITLS Academy को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को. साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. इसके अलावा आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पे मौजूद है, जहाँ से कि आप ऐप को डाउनलोड करके इजीली ITLS Academy को एक्सेस कर सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक दिस वीडियो, शेयर करिए जिनके ज़रूरत है, जिनके साथ में आप शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ और भी. और इसके साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करिए. अगर किसी भी हेल्प की ज़रूरत है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए 7080833450 पे. थैंक यू वेरी मच एवरीवन अगेन फॉर वॉचिंग. और कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, आप कमेंट करिए, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा. किसी भी डाउट को मत रखिए, क्वेश्चंस टॉपिक से रिलेटेड है, किसी भी कोर्स से रिलेटेड है, कोई क्वेरी है, आप कॉल भी कर सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वहाँ से भी आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दिया जाएगा. सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर.